नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो के एस पिजन प्लैनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो है मिट्टी बनाने जा रहा हूँ अपने कबूतरों के लिए, जो ब्रीडिंग वाले खासकर जो जोड़े होते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट होती है और ब्रीडिंग एक नंबर की होती है। उससे आपके कबूतर जितने मर्जी अंडे बच्चे कर ले, कबूतर में क्या होगा, जो कच्चे अंडे की प्रॉब्लम और जिन अंडों में बच्चे नहीं बनते वो प्रॉब्लम अधिकतर कैल्शियम की वजह से आती है। और वो उस कैल्शियम की जब हम पूर्ति उस मिट्टी के थ्रू और अदर जो हम कैल्शियम देते हैं उनके थ्रू जब उनकी पूर्ति होती है तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो दोस्तों, अब देखो जैसे हमारे ये कबूतर है, अंदर ब्रीडिंग निकाल रहे हैं, तो शाम का समय है भाई, वीडियो बनानी थी तो थोड़ा वो हो रहा है। ये हमारे कबूतर है, मैं इनसे हमेशा ही ब्रीडिंग करवा रहा हूँ। अभी पीछे ही मैंने जोड़े अलग कर दिए थे लेकिन अब मैंने दोबारा जोड़े मिला दिए और पूरी सर्दी मैं ब्रीडिंग करवाऊँगा। और ब्रीडिंग बहुत ही लाजवाब होती है, ब्रीडिंग आपने मेरे लॉफ्ट के अंदर देखी भी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं अपने कबूतरों में मल्टीविटामिन और वो कैल्शियम का प्रयोग करता हूँ, लेकिन एक देसी चीज़ और है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और बहुत ही सस्ती बनती है दोस्तों। तो देखिए, अब वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, ये हैं मुर्गी के अंडे, आम जो अंडे हम इधर बाहर मार्केट में अवेलेबल होते हैं वे अंडे हैं ये। और उनको ला के 3-4 दिन धूप में सुखाना होता है। धूप में सुखाने के बाद उन्हें आप इस तरीके से चूरा कर सकते हो। कैल्शियम का सबसे बेस्ट स्रोत है और 10-20 रुपए किसी अंडे वालों को दे दोगे तो वो भाग के आपके लिए छिलके इकट्ठे कर देगा और बहुत सारे घरों में तो ये खाए भी जाते हैं। जहाँ वे अंडे उन्हें फेंकने की बजाय आप इसमें मिट्टी में प्रयोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ है दोस्तों, पीली ईंट। आप अक्सर हर जगह पीली ईंट तो वैसे भी मिल जाती है, उसका चूरा बना के आप रख सकते हो। और एक दो चीज़ जो घरों में होती है, जैसे हल्दी। हल्दी बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है और ये एंटीबायोटिक होती है। उसके बाद अजवाइन, हाजमे के लिए बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद ये है काली मिर्च का पाउडर, ये भी हाजमे के लिए बहुत बेस्ट होता है और कबूतर बिल्कुल चाव से इसको खाते हैं। तो दोस्तों, अब ये लगभग जो है ये हमने पीली फोड़ ली है और ये अंडे का चूरा इसके अंदर हम मिला रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत तो दोस्तों देखो कबूतरों के लिए करनी पड़ती है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है अब मैं आपको भी बता देता हूँ भाई, कॉस्ट कितनी आती है। और ये है अपना सिंधा नमक, काला नमक, ब्लैक साल्ट, इसको ब्लैक साल्ट बोलते हैं दोस्तों, काला नमक। और ये देखिए लगभग 2 चम्मच के करीबन आप इसमें मिला लो इसको। और ये 3 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 2 चम्मच मैंने काली मिर्ची ली है और 2 चम्मच अजवाइन ली है। तरीके दोस्तों आपको वे तरीके बताऊंगा जो बिल्कुल सस्ते और बहुत ही अच्छे होते हैं। तरीका कभी हमारा कोई गलत नहीं होता, बिल्कुल आजमाओ। और बहुत सारे भाई जो आजमाते हैं, जो हमें व्हाट्सएप पे और वैसे कमेंट करके बताते हैं कि भाई साहब आपका फार्मूला आजमाया था, बहुत ही मज़ा आया। दोस्तों क्या होता है, जो चीज़ मैं अपने कबूतरों में इस्तेमाल करता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये तो है नहीं कि भाई मैं बता आपको कुछ रहा हूँ और मैं अपने कबूतरों को कुछ दे रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ चक्कर नहीं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये, देख लीजिए। ये हमारी मिट्टी तैयार है। अब इसको दोस्तों मैं खिलाता कैसे हूँ, इसकी एक मुट्ठी के करीबन पहले स्टार्टिंग में थोड़ी कम डालनी चाहिए, जब कबूतर इसकी पकड़ करने शुरू कर जाते हैं तब आप इसको थोड़ा हाथ ज़्यादा डाल सकते हो। लेकिन ये भी नहीं कि पूरा एक कटोरी भरी और फेंक दी, वो कबूतरों की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कबूतर कितने। तो दोस्तों इसमें से हम सुबह एक मुट्ठी लेते हैं और डाल देते हैं, कबूतर बड़े चाव से खाते हैं, छोटा खाओ बड़ा खाओ कोई भी खाओ। और अब मैं इसका जो ब्रीडिंग वाले खासकर पेड़ हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसमें दोस्तों नेचुरली सब कुछ मिला हुआ है, नेचुरली आप देखोगे जो अंडे के छिलके हैं वो तो पूरे के पूरे कैल्शियम ही होता है उनके अंदर,
और आप किसी भी अंडे की रेडी वाले को 10-20 रुपए दे दो, वो आपके लिए अंडे इकट्ठे कर देगा, उनको 3 दिन धूप में सुखाओ, सुखाने के बाद आप उनको तोड़ के चूरा बना लो। पिल्लीट 5-6 रुपए की पिल्लीट होती है, आप कहीं से भी ला के या आसपास में मिल जाती है, उसको फोड़ के चूरा बना लो। उसके बाद भाई हल्दी आम घरों में होती है, अजवाइन होती है, मिर्ची होती है और काला नमक हर घर में होता है तकरीबन, थोड़ा थोड़ा लेके आप उसको मिला लो और अपने कबूतरों के लिए बना के रख दो। ये नहीं है दोस्तों, इसको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे को कबूतरों के उसमें रख दिया, नहीं, जितनी आपको खिलानी है, जब भी खिलानी है, जब भी आप अपने कबूतरों के सामने डालो, उससे पहले आप इसको मत डालो। भाई ऐसा कबूतर मान लो कि ये एक उसके अंदर भर के रख दी, तो इसके अंदर कबूतर बीट करेंगे, ये ख़राब होएगी। जितनी ज़रूरत हो उसी समय डाल दी और अपने कबूतरों को खिला दी, और बहुत ही ब्रीडिंग, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ही बेस्ट होगी, क्योंकि हम तो भाई करते हुए आते हैं, धीरे धीरे हम जो सेट अपने कबूतरों में हम जो फार्मूले यूज़ करते हैं, वही चीज़ हम आप लोगों को आगे आगे शेयर करते रहते हैं। ब्रीडिंग मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ब्रीडिंग वाले जितने भी पेड़ हैं आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे और अंडे बच्चों में कोई कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।